100 में 10 जो है वो अंग्रेज थे शोषक। उनके जाने के बाद मैंने कहा कि जो 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 उनके सत्ता के जो उनके दलाल थे, मैंने ये बात जरूर कहा कि जो पिछड़े जाति और दलित जातियों का जो आरक्षण है उसका कट ऑफ मार्च ऊपर जा रहा है। घंटी बजाने वाले जोगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता जो हैं राजद पार्टी से आते हैं और वो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बयान दे दिया था और ये कह दिया था कि 10% वाले जो हैं वो मंदिर में घंटा बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। अब इस बयान के बाद आलोक मेहता जहां घिरते नजर आए तो उन्होंने अपनी सफाई भी दी और एक बार फिर से मोतिहारी में जब ये पहुंचे थे तो इसके लेकर क्या कुछ कह रहे थे इसे लेकर और किस प्रकार सफाई देते हुए अपनी बात पर भी अडिग हैं, सुन लीजिए। बताया ना कि 10 में 90 शोषित हैं, जगदेव बाबू का नारा था। तो आरक्षण सुनिए ना, पहले आप देखिए, जिस मानसिकता के साथ आप सोचेंगे वही उसका अर्थ निकलेगा। जिन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया, मिस इंटरप्रिटेशन, उन लोगों का जवाब दे दिया हमने और इसमें हमारे क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिहार की तमाम आवाम जानते हैं कि आलोक मेहता सभी वर्गों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है, सब लोग के लिए बराबर का काम करता है, सियासत हो चाहे व्यक्तिगत हो, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों के प्रति समान है। 100 में 90 शोषित हैं, मैंने कोई पिछड़ी जाति और दलित नहीं कहा, और कहा भी यदि तो ये सच्चाई है। अम्बेडकर साहब ने इन चीजों को दिखाया, लेकिन हमने किसी के प्रति असम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। 100 में 10 जो है वो अंग्रेज थे शोषक, और उनके जाने के बाद मैंने कहा कि जो 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 उनके सत्ता के जो उनके दलाल थे, किनको दर्द हो जा रहा है इस बात को बोलने पर। तो आरक्षण की भी बात आपने कही थी, आरक्षण की बात तो उन्होंने कहा आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, 10% आरक्षण जिसको मिला है। नहीं, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा, ये गलत, यही तो बता रहे हैं, यही गलत मिस इंटरप्रिटेशन करके इसको गलत ढंग से रखा गया। तो आपका मतलब क्या था, कहने का अर्थ आप क्यों इतना मतलब जानना चाहते? मेरा मतलब था जो मैं अभी बता रहा हूँ, गलत किसी ने कहा। EWS की तो खालपुर की का समर्थन में तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, और इस बात को यदि कोई कहता है तो गलत कहता है। मैंने किसी के साथ असम्मान वाला भाव नहीं रखा। घंटी बजाने वाले नहीं, मैंने ये बात जरूर कहा, मैंने ये बात जरूर कहा कि जो पिछड़े जाति और दलित जातियों का जो आरक्षण है उसका कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है, और इसका क्या कारण है, कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है उसका क्या कारण है, इसको जानने की जरूरत है। आप हमसे बोलवाना चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी तो बात मैंने नहीं कही। फिर आपसे बोल रहे हैं हम, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं वो हमसे, हमारे लोगों से बोलवाना चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यही चाहते थे मोहन भागवत, जो आके बिहार में कहे कि आरक्षण की समीक्षा हो, यही चाहते थे जिन्होंने दो बार यहाँ पर आके बोला था। तो आप समझ लीजिए कि ये एक सियासती बातें हैं, और उसको व्यक्तिगत रूप से किसी के नाम पर प्रचारित करना बिल्कुल गलत बात है। मैं उसकी तीखी भर्त्सना करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि उस समीक्षा को जो विश्लेषण उन्होंने किया है उनको वापस लेना चाहिए। घंटी बजाने वाले कौन है? घंटी बजाने वाले जोगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनका क्या काम था? मठ के महंत थे ना थे भाई, तो उनको भी कोई जाति से जोड़ा जा रहा है, इसे मैं कह रहा हूँ कि सुना आपने, आलोक मेहता बोल रहे थे, अपनी बात पर सफाई तो दे ही रहे थे, साथ ही साथ अपनी बात पर अडिग भी नजर आ रहे थे और दोहरा भी रहे थे, कह रहे थे कि मैंने गलत क्या कहा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो देश में हुआ है, जो अंग्रेजों के रहते हमारे देश में 10% और 90% वालों का खेल चला है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब अंग्रेज थे तो वो 10% थे और हमारे देश में जो लड़ने वाले लोग थे वो 90% थे, उन पर उन लोगों ने राज किया, और जब यहां से जा रहे थे तो कुछ लोगों को जमींदार बनाकर गए। कहीं ना कहीं इस बात पर वो अडिग है और अपने बयान को अब कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सभी का सम्मान करता हूं, 10% आरक्षण वालों को मैंने नहीं कहा, EWS का समर्थन मैं खुद करता हूं। अब आलोक मेहता अपने बयान पर सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन किस आधार पर उन्होंने यह बयान दिया था, अब इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।